आपके पास मेरे ख्याल वो ए बी पी की वो आप मेम्बरशिप की रसीद आ गई, नहीं है तो आप मेरे को नंबर दे देना, तो उनसे ही पूछ लेना कि जिस किस पार्टी का ये मेंबर है उनसे जरूर पूछ। अंदावा जी, चुनाव का 24 साल है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी अब कांग्रेस की? क्योंकि देखिए, हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस ने काम किए हैं, हम अपने काम उनको जनता में लेकर जाएंगे। जैसे एम एल ए साहब बैठे हैं, तो हमारे अध्यक्ष भी बैठे, तो अक्षर गोपाल नवाज इन्हें बैठे हैं, तो इन्होंने जैसे कहा कि जो हमारे कैंप लगे थे उनमें लोगों ने जो किया, और साथ ही हमारे चीफ जस्टिस ने उन कामों की गारंटी दी है। बीजेपी वाले गारंटी करते हैं इलेक्शन के बाद, हमने तो लोगों को पहले गारंटी देकर उनको तो हाथ में कार्ड दे दिया कि ये लो आपका 1000, आपका 500 रुपये का सिलेंडर जो सब्सिडी दी है, आपके लिए लंपी का 40,000 रुपया, आपके लिए 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों की फ्री, तो ये तो हमने पहले ही गारंटी नहीं गारंटी हमें लागू कर दिया है, तो वो जवाब क्या देंगे बीजेपी? अब प्रधानमंत्री को ऐसा पैकेज देना चाहिए कि लोगों में जाए कि कांग्रेस की बजाय प्रधानमंत्री कोई 4-5 लाख करोड़ का जहाँ पैकेज दे गए हैं, और राजस्थान जो पहले था, जो आज राजस्थान में देख रहा हूँ कि खेती में भी बहुत आ गया है, आपके ऑर्चर्ड में बाग जो है वो उसमें भी आ गया, तो राजस्थान को वैसे बहुत तरक्की कर रहा है, और इसमें सभी को स्टेट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो बॉर्डर है उनके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको कैसे रोका जाएगा। ड्रग आ रही, आज मैं देख रहा था पंजाब में 20 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है, 1 किलोग्राम अमृतसर में पकड़ी गई, तो उनको कैसे रोका जाएगा, ये बात पे प्रधानमंत्री के लेवल की, स्टेट लेवल की नहीं है, कि जो ड्रोन है उनके लिए कैसे उनको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए उनको रोकने के लिए, कैसी बेशक हमने फेंसिंग लगा दी है, आप उन चीज़ों को रोकना प्रधानमंत्री के काम है। 50 किलोमीटर तक BSF का कंट्रोल आ गया हर स्टेट में, तो फिर क्यों नहीं रुक रहे? तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी को उस दिन स्टेज पर बोलकर जाना चाहिए।